नमस्कार, नवारा टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं श्रेयांश त्रिपाठी इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में मौत का एक मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पूरे दिन कानपुर देहात जिले में बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली है। आरोप है कि बलवंत नाम के एक व्यापारी को पुलिस ने उठाया, उसकी पिटाई की और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो जिला अस्पताल में उसका शव छोड़कर फरार हो गई। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस वालों पर FIR भी दर्ज की गई है, जिसे लेकर तमाम तरीके की बातचीत की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। 6 दिसंबर को बाइकर्स ने 2 लाख रुपये लूटे थे यहाँ के एक व्यापारी चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और यह आरोप लगा कि बलवंत नाम के एक व्यापारी ने, जो चंद्रभान का रिश्तेदार है, उसने लुटेरों को मुखबिरी की और इसके बाद बलवंत से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के बीच क्या हुआ ये सब जांच के दायरे में है, लेकिन उसके बाद बलवंत की तबीयत बिगड़ी और बिगड़ने के बाद जो स्थितियां हुई वो ये कि जिला अस्पताल पुलिस ने उसे पहुंचाया और जब वहां उसकी मौत हो गई तो पुलिस के लोग शव छोड़कर भाग निकले। परिवार को अगले दिन इस बात की जानकारी मिली कि बलवंत की जान चली गई है। परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और वहां से बलवंत का शव लेकर अपने घर को वापस लौटे। खूब हंगामा हुआ है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन करके CM योगी से आने की मांग की गई थी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई। इस पूरे मामले पर जब विवाद बढ़ने लगा तो कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर जो बातचीत की है, जो लोगों से बात की, परिवार से बातचीत की, उन्होंने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने जानबूझकर ये घटना कराई, एक युवक की हत्या करा दी गई और अब इस मामले को लेकर तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए। इस सारे दिन कानपुर से जो जानकारी मिली है, परिवार वालों का ये आरोप है कि बलवंत को पुलिस ने बेरहमी से मारा है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 23 से 24 जगहों पर बलवंत के शरीर पर चोट मिली है, जिसमें हाथ का हिस्सा शामिल है, उसकी पीठ पर, उसके शरीर के पिछले हिस्से पर कई चोट मिली है और ये आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे हिरासत में इतना मारा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। जो दूसरी एक बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये कि इस मामले में रनिया थाने के SO पर भी FIR हुई है। SO पर शिवप्रकाश सिंह नाम है इनका, इन पर FIR उसी थाने में हुई है जिस थाने में ये पोस्टेड है, मतलब थानेदार के खिलाफ थाने में ही FIR हुई है और इसे लेकर कानपुर में बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और ये कहा गया है कि जो भी पुलिस वाले इसके आरोपी हैं, कुल 9 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया इस मामले में, इन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल UP पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस पुलिस के ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज करने की जिम्मेदारी है उसके ही पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन लोगों के नाम FIR में हैं उसमें शिवली थाने के SHO राजेश कुमार सिंह, रनिया थाने के SO, मैथा के चौकी इंचार्ज, SOG प्रभारी और ड्यूटी डॉक्टर समेत तमाम लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। 11 पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं और इन सभी के खिलाफ अब विभागीय तौर पर भी जांच कराई जा रही है और वो तमाम घटनाक्रम पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से बलवंत को हिरासत में लिया गया और कैसे उसकी मौत हो गई। कल थाना रनिया पे परिवारीजन की तहरीर पर एक 302 का मुकदमा लिखा गया है। तत्काल उसमें एक SIT का गठन करके 2 CO और 2 इंस्पेक्टर की एक टीम गठित करके उसकी निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। जितनी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है उसको 100% संलग्न किया जाएगा। परिवारीजन ने कुछ और मुद्दे भी उठाए हैं, कुछ और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनको भी विवेचना के क्रम में लिया जाएगा और निष्पक्ष जो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया। घटना गलत घटित हुई है, नासमझी में घटित हुई है, अतुत्तेजना में घटित हुई है या राजनीतिक कारण के तहत घटित हुई है, ये दुखद है और किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के हमारा प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय ने भी कल कई बार दूरभाष पर बात की, पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी कई बार दूरभाष पर बात की और ये उन्होंने दुख प्रकट किया कि ये दुखद है। हिरासत में मौत को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ये आरोप लगे हैं। गोरखपुर का मामला हो, कृष्णा पैलेस होटल का, उसके पहले और भी कई मामले ऐसे हैं जहां पर UP पुलिस के ऊपर हिरासत में लोगों की जान लेने का आरोप लगा है।
इस तरह के तमाम मामलों में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने के एसओ के ऊपर एक मुकदमा पहले भी दर्ज हुआ था उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों के ऊपर। उसके अलावा कई सिपाहियों पर केस दर्ज हो चुके हैं, कई अन्य पुलिस वालों पर, और पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगते हैं कि वो हिरासत में किसी व्यक्ति को ले जाकर उनसे मारपीट करती है और हालत बिगड़ने के बाद इस मौत को कभी हार्ट अटैक और इस तरह के किसी अन्य मामले में मौत बता दिया जाता है। लेकिन इस बार जो कानपुर देहात में मामला सामने आया है, इसे लेकर भी कई सवाल हैं। इनका अंत क्या होगा और इन जाँचों का निहितार्थ क्या निकलेगा, ये सभी देखना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में हिरासत की मौत के कारण जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं, इन सभी को लेकर सरकार अपना पक्ष कैसे साफ करती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में हम और खबरों के साथ फिर से आपके बीच जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।